रिठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मडैयन टोला के युवक को अन्य प्रांत में मजदूरी कराने ले जाया गया और उससे काम भी कराया गया, लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब पीड़ित ने ठेकेदार से अपने काम करने के पैसे मांगे। तब ठेकेदार ने पैसे देने से मना कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला रिठी थाना अंतर्गत देवरे ग्राम पंचायत के मडैयन टोला का है, जहां रहने वाले मनोज पटेल ने रिठी थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत लिखवाई। इस संबंध में ग्राम मडैयन टोला के पीड़ित मनोज पटेल ने बताया कि उसे ग्राम भेड़ा का एक शख्स ठेकेदार के कहने पर हिमाचल प्रदेश मजदूरी कराने ले गया था, जहां 3 महीने तक मजदूरी भी कराई, लेकिन मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया, सिर्फ घर आने के लिए पैसे दिए गए। पीड़ित आज रिठी थाना शिकायत लेकर पहुंचा, जहां पीड़ित ने अपनी दर्द भरी कहानी रिठी पुलिस को सुनाई। पीड़ित की बातों को सुनकर पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच में लिया है एवं पीड़ित को आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मनोज पटेल। क्या नाम बताया आपने? मनोज पटेल। कहाँ के हो? मडैयन टोला। क्या समस्या है आपकी? ये है कि ये मजदूर करने ले जाता है, ठेकेदारी करता है, भेड़ा का लड़का है। अच्छा। हाँ, तो मजदूरी करवाता है, पैसा नहीं देता 1 रुपए। तो अभी आपने काम किया है क्या? हाँ किया है। कितने दिन किया था? वहाँ किया है 3 महीने। 3 महीने। हाँ। तो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला? नहीं मिला। आप मंगाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो? कुछ नहीं, गाली गलौज करता है। अच्छा। फिर आप हिमाचल प्रदेश में काम करते रहे? हाँ। फिर वहाँ से कैसे आए आप? वहाँ से आ गए, मतलब ऐसे ही पैसा दिया था खाली खर्चे के लिए। अच्छा। मतलब आपकी जो मजदूरी है, मजदूरी नहीं दी गई, तो आप यहाँ थाने किस लिए आए हुए हैं? शिकायत करने के लिए। ठेकेदार कहाँ का है? भेड़ा का ही, आपके ही गाँव का? और आप? हमारे गाँव का नहीं है, हम तो मडैयन के हैं, भेड़ा का है। अच्छा अच्छा आपका नाम क्या? मनोज पटेल। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट।